हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं शार्प कंपनी का माइक्रोवेव है जो नॉट वर्किंग में है, उसको या तो बोल सकते हैं अभी नो हीटिंग में है, यानी कि इसमें पावर तो आ रही है कभी कभी, जैसे इसको हम लोग ऑन करते हैं उसी टाइम इसका मेन फ्यूज चला जाता है और गर्म भी नहीं करता है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं किसके वजह से जो इसका मेन फ्यूज जल रहा है और इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों जल रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप लोग देख रहे हैं यही हमारा मैग्नेटिक कॉयल है जो खाना को मतलब गर्म करने के लिए मैग्नेट बनाता है और उसी टाइम हमारा खाना गर्म होता है। और ये हमारा जो आप लोग देख सकते हैं यही मेन फ्यूज है, इसको यही फ्यूज मतलब बार बार जल रहा है। जैसे हम लोग पावर में डाल रहे हैं उससे जैसे पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं उसी टाइम फ्यूज चला जा रहा है। और ये नीचे जो देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर के आउटलाइन में भी एक फ्यूज लगा है, उसके बाद एक कैपेसिटर के साथ में जुड़ा रहता है। उसके बाद हम पहले आपको बता दूँ इसमें तीन डोर स्विच होता है, तीनों डोर स्विच का भी अगर प्रॉब्लम रहेगा तो भी आपका मेन फ्यूज चला जाएगा और आपका माइक्रोवेव काम भी नहीं करेगा। और उसके बाद जो आपका मेन फ्यूज जो है, मेन फ्यूज आपका देखिए इसमें 6 एम्पियर का होता है और उसमें अगर ज़्यादा में यानी कि आपका मेन फ्यूज जा रहा है तो यानी कि इसमें ज़्यादा लोड पड़ रहा है जिसकी वजह से ही आपका मेन फ्यूज जाता है। तो अभी हम लोग जब इसको चेक कर रहे थे तो इसमें जो हमारा कैपेसिटर था वो कैपेसिटर इसमें फूक गया है जिसके वजह से हमारा ये जा रहा है, इसका मेन फ्यूज है जो बॉइलिंग हो रहा है। तो अभी हम लोग इसको फर्स्ट उसका जो कैपेसिटर है उसको कैपेसिटर को भी चेंज करने वाले हैं और उसका जो फ्यूज है उसको भी चेंज करके एक बार चेक करने वाले हैं। तो अब मैं बता दूँ आप लोग को, देखिए ये हमारा कैपेसिटर है जो उसके नीचे बेस में लगा रहता है और कैपेसिटर के साथ में एक डायोड भी लगा रहता है। कभी इन केस अगर आप लोग का डायोड भी अगर ख़राब हो जाएगा तो भी आपका मेन फ्यूज जाएगा, क्योंकि डायोड का काम है कि एक साइड से पावर लेके दूसरे साइड में भेजने का, यानी कि दूसरे साइड से रिटर्न नहीं उसमें आने का। अगर वो अगर आपका ख़राब हो जाएगा तो वो भी आपको डीसी में कन्वर्ट करके दूसरे साइड में भेजता है, ना कि एसी में। वो भी कभी ख़राब हो जाएगा तो एसी में तुरंत पावर भेजेगा और बॉडी में पावर जाएगा, उसी टाइम आपका पावर ट्रिप हो जाएगा और फ्यूज भी जाएगा। तो अभी हम लोग इसका जो कैपेसिटर को निकाल लेंगे, कैपेसिटर को देखिए अभी हम लोग निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं 0.91 माइक्रोफैरेड है, लेकिन इसका वोल्टेज आप लोग देख सकते हैं हाई वोल्टेज है, 2100 एसी वोल्ट का है। अगर इसमें अगर आदमी को करंट लगेगा तो आदमी को बहुत ज़्यादा झटके लगेगा, हो सकता है कि आदमी का वो डेथ भी हो सकती है, इतना ज़्यादा झटका मारेगा ये। ओके, इसीलिए इसमें डायोड को लगाया जाता है ताकि इसका जो वोल्टेज है उसको वोल्टेज को ये ड्रॉप करके इसको डिस्चार्ज कर दे। ओके, तो अभी हम लोग देखिए इसको चेक कर रहे हैं। कैपेसिटर को चेक करने के लिए आप लोग कंटिन्यूटी में डालें, कंटिन्यूटी में अगर डाल के रखेंगे उसी टाइम आपका जो मीटर है ऑफ में दिखाना चाहिए, ना कि अगर कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो भी आपका कैपेसिटर ख़राब है। उसके बाद आप लोग कैपेसिटर का ग्राउंड चेक करना रहता है, कैपेसिटर का दोनों लेग से स्टेप बाय स्टेप करके ग्राउंड चेक कीजिए। अभी हम लोग देखिए इसमें चेक कर रहे हैं तो ग्राउंड नहीं आ रहा है, यानी कि जब जैसे आपका ऑफ पोजिशन में इसी पोजिशन में रहना चाहिए, ना कि अगर वो आपका कुछ भी ओम से शो कर रहा है या तो आपका बीप का साउंड आ रहा है तो भी आपका कैपेसिटर ग्राउंड है यानी कि। ओके, तो अभी आप लोग देखिए हम लोग चेक कर रहे थे तो कैपेसिटर हमारा ग्राउंड तो नहीं हुआ है, लेकिन जो है वो काम नहीं कर रहा था, फूक गया है। तो अभी हम लोग देखिए नया कैपेसिटर डाल के इसको ऑन किए हैं, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो पानी है उसके अंदर गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब अगर हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो यानी कि हमारा सिस्टम है नॉर्मली वर्किंग करने लगा, अगर नहीं गर्म होगा तो यानी कि पानी हमारा सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है। ओके, अभी तो देखिए मतलब नॉर्मली वर्किंग में दिखा रहा है, लेकिन चेक करेंगे हम लोग पानी इसमें रखे हैं तो चेक करेंगे कि हमारा गर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें अगर आप लोग कैपेसिटर कभी भी चेंज करते हैं तो उसके साथ में डायोड भी चेंज करें, ना कि कैपेसिटर ओनली। अगर कैपेसिटर ओनली चेंज करेंगे तो कभी ना कभी एक दो दिन में डायोड भी ख़राब हो जाएगा और आपका सिस्टम फिर से नॉट वर्किंग में हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखिए इसको चेक किए हैं तो आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो पानी गर्म नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल फिंगर उसमें चला जा रहा है और पानी भी गर्म नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटर के साथ साथ इसमें दूसरा भी प्रॉब्लम मिला है हमको, तो वो भी हम लोग चेंज करने वाले थे। दूसरा प्रॉब्लम अब इसके बाद हमारा क्या है, जो मैग्नेटिक कॉयल है जिसको मैगटन बोलते हैं, इसको अभी हम लोग चेंज करके देखने वाले हैं। आप लोग देख सकते होंगे कि अभी हमारे पास एक देखिए दूसरा डिफरेंस टाइप है, सेम टाइप का है
बट थोड़ा डिफरेंस मॉडल है ओके। तो अभी हम लोग इसको डाल के इसमें चेक करने वाले हैं, इसको फिटिंग करेंगे फर्स्ट। ये भी सेम कैपेसिटी का है, 20 लीटर का है। आप लोग जब भी कभी इसको लेने जाते हैं उसी टाइम इसका लीटर भी बताना पड़ता है, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट उस तरीके से नहीं पकड़ सकते हैं इसको। तो अभी देखिए हम लोग जो पुराना वाला निकाले हैं उसका जो जहाँ पर फायर करता है उस जगह पर देखिए पूरा कार्बन हो गया था, और इसके वजह से हमारा जो खाना इसमें जो हीट नहीं कर रहा था, या पानी कुछ भी रखते हैं तो इसमें हीटिंग नहीं होता है ओके। तो अभी हम लोग देखिए उसको कॉइल को भी चेंज कर लिए हैं, कॉइल को चेंज कर लिए हैं। अभी इसको हम लोग पावर ऑन करके चालू करके देखने वाले हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अभी भी हमारा सिस्टम वर्किंग में है कि नहीं है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जब हमारा सिस्टम अगर नॉर्मली वर्किंग में रहेगा उसी टाइम हमारा सिस्टम है जो 8.5 से लेके 9 एम्पियर तक करंट लेगा। तो अभी आप हम लोग देख सकते हैं स्टार्ट किए हैं तो हमारा स्टार्टिंग में थोड़ा हाई एम्पियर लेता है, कोई भी चीज़ वो स्टार्टिंग में हाई एम्पियर पकड़ता है, बाद में हमारा धीरे धीरे वो एम्पियर है 8.5 तक आना चाहिए। अगर 8.5 और 9 एम्पियर के बीच में अगर एम्पियर ले रहा है तो यानी आपका ओवन काम कर रहा है, उससे ज़्यादा अगर करंट ले रहा है तो भी आपका ओवन काम नहीं कर रहा है ओके। तो इस तरीके से इसमें चेक, इस तरीके से हम लोग इसमें चेक किए तो हमको 3 फॉल्ट मिला था। पहला फॉल्ट हमको मिला था उसका मेन फ्यूज का, मेन फ्यूज को चेंज किए तो उसके बाद जो ट्रांसफार्मर की आउटलाइन में एक फ्यूज लगा है वो भी ख़राब मिला था। दूसरा हमको एक कैपेसिटर भी ख़राब मिला था। तीसरा जो हमको ये इसका मैग्नेटिक कॉइल है, इसमें माने कि 3-4 चीज़ों का फॉल्ट मिला था। अगर आप लोग को इस तरीके का कंप्लेंट मिलता है तो एक एक बाई स्टेप करके चेक करें। अगर आप लोग का फ्यूज जा रहा है तो तुरंत फ्यूज भी नया ना डालें, इससे आपको बहुत लॉस हो जाएगा। उसके जगह पर एक पतला वायर ज्वाइंट करके चेक कर लें, बिल्कुल पतला वायर होना चाहिए ना कि मोटा वायर ठीक है। अगर मोटा वायर रहेगा तो आपका ट्रांसफार्मर भी जल जाएगा। तो अभी देखिए हमारा इसमें जो टाइमिंग पूरा हो गया है, अब हम लोग चेक कर रहे हैं तो पानी बहुत गर्म है, उसमें फिंगर भी नहीं डाल सकते हैं, इतना गर्म हो गया है पानी ओके। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।